नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। आरजी कर की घटना पूरे देश के लिए शर्म की बात है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघावल ने कहा। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक मोबाइल पेट्रोलिंग वैन की शुरुआत की, अब महिला सुरक्षा होगी मजबूत। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एक ASI पुलिस अधिकारी पर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप, अमरबीर ASI गिरफ्तार। धोखे से बन गए थे यूक्रेन युद्ध का हिस्सा, कई महीने बाद भारतीय नागरिक कालिंगपोंग के पूर्व सैनिक उर्गेन तामंग की स्वदेश वापसी। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आरजी कर घटना पूरे देश के लिए शर्म की बात है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघावाल ने कहा। कोलकाता के आरजी कर घटना की पूरे देश के लिए शर्म की बात है, ऐसा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघावाल ने कहा है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया और महिला उत्पीड़न के सबूत मिटाने को अनुचित करार दिया। मेघावाल ने एक देश एक वोट पर की सराहना की, लेकिन कहा कि अभी लंबा रास्ता तय करना है। ममता बनर्जी द्वारा स्पीडी ट्रायल के लिए प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के संदर्भ में उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा, यह कहते हुए कि राज्य में ट्रायल कोर्ट नहीं बना है, जबकि केंद्र पहले से ही कानून लागू कर चुका है। उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट या ऐसा कोई कानून बनाइए फास्ट ट्रैक जैसा, वो तो ऑलरेडी है। जब उन्होंने खुद ने देखा तो पता चला बंगाल में फास्ट ट्रैक हर जिले में बने ही नहीं है, खुद को पता चला। तब उनको लगा क्या करें, तो कवर अप करने के लिए नया एक्ट लाए। हमारे संविधान में एक प्रावधान है, यूनियन लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट स्टेट कानून बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। ये तो कवर अप करने की सारी चीजें थी। देखिए, बहुत शर्मसार करने वाली जैसी घटना हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मैं देश का लॉ मिनिस्टर हूँ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के विषय में मुझे इतनी टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन पता सब है आपको किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, किस तरह से परतें खुल रही है, किस तरह से एविडेंस नष्ट किए गए, सब चीजें सामने आ रही है। थैंक यू जी। सिलीगुड़ी में शुरू हुआ पिंक मोबाइल पेट्रोलिंग वैन, अब महिला सुरक्षा होगी मजबूत। सिलीगुड़ी में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक मोबाइल पेट्रोलिंग वैन की शुरुआत की है। पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर ने आज इन वैन के हरी झंडी दिखाई। ईस्ट और वेस्ट जोन में 2 पिंक पेट्रोलिंग वैन तैनात की गई है, जिसमें 1 महिला पुलिस अधिकारी और 5 महिला कांस्टेबल मौजूद रहेंगी। इन वैन में हेल्प डेस्क नंबर भी उपलब्ध है। सुधाकर ने बताया कि इस वैन का उद्देश्य महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने और उन्हें सुरक्षित महसूस कराना है। सर, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड लॉन्चिंग दिस पिंक पेट्रोल वैन? पिंक पेट्रोल वैन का पर्पस इज वेरी सिंपल, इट्स ऑल वुमेन मोबाइल पेट्रोल व्हीकल। द वुमेन कैन फील फ्री टू टेल अबाउट देयर इश्यूज to a women officers or women constable. For that one, we made this pink mobile. Ahead of Durga Puja, ये कितना importance है in terms of security of women safety? ना, ahead of Durga Puja, हम लोग तो मतलब industry में पहले से मन चल रहा है, मतलब सब जगह में हम लोग तो cover कर रहा है। But pink mobile मतलब एक चार चक्का का और ज़्यादा मतलब एक पांच का हमारे को strength होगा और सब जगह में मैंने घुमाएगा। और कंट्रोल रूम में फोन करने के लिए विनस बना एनी बडी बना कंट्रोल रूम में फोन करके बोल सकते हैं, हम लोग बना पिंक मोबाइल का भेज दो। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एक ASI पुलिस अधिकारी पर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप लगा। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एक पुलिस अधिकारी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। इस घटना की जांच करते हुए माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने ASI अमरबीर को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वह बागडोगरा ट्रैफिक गार्ड में कार्यरत थे। जुलाई महीने में एक महिला ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि महिला के आरोप लगाया था कि धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने अमरबीर को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है।
कालिम्पोंग के पूर्व भारतीय सैनिक उर्गेन तामांग एक एजेंट के माध्यम से रूस पहुंच गए, जहां उन्हें सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वे यूक्रेन युद्ध में शामिल हो गए। मार्च में धोखे का एहसास होने पर उन्होंने अपने परिवार को वीडियो संदेश भेजा, जिसे प्रशासन ने देखा। कालिम्पोंग के चेयरमैन की पहल से उर्गेन स्वदेश लौट आए। आज वह बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका परिवार खुश था। उर्गेन ने सभी का आभार व्यक्त किया, जबकि उनकी पत्नी ने भी खुशी जताई। इंडिया का इनिशिएटिव जो है उसको लेके क्या कहना चाहिए? बस सारे को मैं धन्यवाद ही दे सकता हूं सर। मोदी जी को तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना मशक्कत के बाद देश के भर्ती पे आ गए। हाँ जी, कौन है ये जो आया, आप इतने मेहनत करके आए, आप क्या कहेंगे देश में उतर के कैसा लग रहा है आपको? देश में अभी ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं। अपने स्वदेश सुरक्षित बिल्कुल बिना कुछ हुए हुए आज तक भगवान, सबसे बड़ी तो मैं भगवान को ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। टफ था दादा ये 8 महीना उधर रहना? टफ तो अब हर एक मिनट हर एक सेकेंड ही टफ ही टफ है। कभी भी बरस सकते हैं, कभी भी जान जा सकते हैं। तो दादा आप गए थे जनरल काम के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, मगर आपको कैसे इसमें रशियन आर्मी में घुसा दिया? अभी सारे भारतीय लोग या जितने भी श्रीलंका या किसी भी कंट्री से गया हुआ है तो ऐसे ही वहाँ जब पहुँचने के बाद उधर से रशियन आर्मी के में धकेल देता है। एक सरकारी बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आज दोपहर सिलीगुड़ी के रायगंज जा रही उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की बस ने विधाननगर के सदरगंज अस्पताल मोड़ पर एक स्कूटी चालक को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बस चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आकर स्थिति को संभाला और बस को थाने ले जाया गया। কারণটা কত বড় দেখেন ঘন ঘন অ্যাক্সিডেন্ট হয় আমরা দেখতে পাই সব সময়। এর আগে একদিন একটা বাচ্চা নিয়ে পড়ে গেল, অ্যাক্সিডেন্ট হলো, তাও কোনো প্রশাসনের হেলদোল নাই। এনএইচএ টোল ফ্রি নম্বরে আজ থেকে আমি 5-6 বার ফোন করেছি, ওরা খালি কমপ্লেন নিচ্ছে আর কোনো কাজই করে না। এইভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, তারপরে এই ধুলার ছাদে আমরা এখানে দোকানে থাকতে পারছি না, আশেপাশে যত বাচ্চা কাচ্চা সব অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য কোনো কিছুই হেলদোল নাই প্রশাসনের। তো আমরা কি করবো? তো আজকে তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এর আগেও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আজকে তো ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্ট, লোকটার হাত জীবনে ঠিক হবে না। কতদিন ধরে এই অবস্থা? 5-6 মাস ধরে। তারপরেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না? কি নাম আপনার? सिलीगुड़ी शहर में बढ़ रही नशेड़ियों की कारगुजारी से परेशान सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव नशेड़ियों की बढ़ती गतिविधियों से चिंतित हैं और पुलिस की भूमिका पर नाराजगी व्यक्त की है। मास्टर दास सूर्यसेन स्मारक समिति के एक सदस्य ने बताया कि नशे में धुत युवक प्रतिमा के आसपास की रेलिंग तोड़ रहे हैं। मेयर ने कहा कि उन्होंने कई बार स्थानीय लोगों को सूचित किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और शहर के पार्कों के सौंदर्यीकरण का वादा किया। CI2 IC के प्रत्येक दिन बोलते थे नतून आसे रात देखो ये तो कटे नहीं जाए तो पुलिस की कर तो पुलिस की जो करते काटते काटते साफा हो गए अन्य कायदा करब और चेष्टा कर जरा ड्रागर व्यवसा करे और जरा ड्राग निचे দুটোর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযানের চেষ্টা করছি, পুলিশের সাথে নিয়ে রেগুলার মিটিং করছি আর এই দুটো আইল্যান্ডকে বাঁচানো, যেহেতু এটা আমি নিজে ক্রিয়েট করেছি আমার ডিপার্টমেন্টের অর্থ দিয়ে, এর সাথে একটা ফিলিং সাথে। আর আপনারা মাস্টার সূর্য সেন স্মৃতি সংসদ কমিটিতে আপনারা আছেন, আমি আমার বাড়ি শিলিগুড়িতে, জন্ম শিলিগুড়িতে, কিন্তু আমিও বিলং করি সূর্য সেনের মাস্টারদার যেখানে ওরা কর্মক্ষেত্র চট্টগ্রাম, ঠিক আছে? সুতরাং একটা বাড়তি একটা ফ্যাসিলিটেশন আছে, আমি জায়গাটা সুন্দর করে গ্রিলটাকে অন্যভাবে করবো যাতে আর এরা কাটতে না পারে। सिलीगुड़ी प्रधाननगर थाने के हत्थे चढ़े 4 बदमाश। सिलीगुड़ी प्रधाननगर थाने की पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 बदमाशों शिव बर्मन, खोकन महंत,
राजेश शाह और मिठुन खातिक को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार रात गुप्त सूचना मिलने पर दागापुर इलाके से चाय बागान के पास अभियान चलाया गया, जबकि चार बदमाश को पकड़ लिया गया। कई अन्य फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से डकैती में इस्तेमाल होने वाले कई हथियार बरामद किए हैं। आरोपियों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस अन्य की तलाश कर रही है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस, क्या विश्वास करेंगे, दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल ₹50 कुरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़ सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सही सलाह देंगे। और अच्छी बात ये है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है, तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जाँच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता, द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। ड्रीमिंग ऑफ विजिटिंग मिरिक? लक्जरी मीट्स सेरेनिटी, अ परफेक्ट ब्लेंड इन मिरिक्स माउंट क्वीन। जॉय हैज नो एंड, जस्ट अ 1.5 hour ड्राइव फ्रॉम सिलीगुड़ी, द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर रिलैक्सेशन और कॉर्पोरेट इवेंट्स। Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 800-133-7000. नागालैंड स्टेट डियर पूजा बम्पर 2024 लॉटरी, पहलो पुरस्कार 5 करोड़ गारंटीड, 2.5 करोड़ को 2 बटा पुरस्कार, टिकट ₹500, ड्रॉ 12 अक्टूबर, पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। डियर पूजा बम्पर 2023 मा 5 करोड़ विजेता राजपाल के तपाई हुनुहुन्छ यस पालीको करोडपति। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenarys? Let's find out. Welcome to Glenarys in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside, and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenarys is a must visit. Glenarys, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenarys, taste the legacy. गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलीगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईँले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रो ट्रफ फ्लोरिङ र टेरिसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस् गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोर, इस्टर्न बाइपास रोड, सिलीगुडी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। घाटल में बाढ़ का पानी भले ही नहीं बढ़ा, लेकिन कई इलाके अभी भी जलमग्न हो गए हैं और कई इलाके डूब गए हैं।
गुरुवार से पानी घटने लगा है, जबकि महकुमा की सभी नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। राज्य के सिंचाई मंत्री मानस रंजन भुइया ने बाढ़ प्रभावित दांदीपुर क्षेत्र का दौरा किया और राहत वितरित की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। पश्चिमी मेदिनीपुर के गवर्नर खुर्शीद आली कादरी ने भी राहत कार्य में भाग लिया। पुलिस अधिकारियों ने मनसूका में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्रियां बांटी। क्या काम कर रहा है, कितना टीम आया, कितना ये आया? मैं राम इंस्पेक्टर से पास है, मैं सेकंड बटालियन इंडिया से हूँ। यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति होने की वजह से हमारी बटालियन ने यहाँ से लगभग 12 टीमें यहाँ अपने बटालियन से निकली हैं, जिसमें से 4 यहाँ पर अपना पूर्वी मेदिनीपुर में। सिचुएशन अभी सही नहीं है, बस ये है कि पानी अभी पहले के मुकाबले काफ़ी उतर रहा है, मगर लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं। ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ जो है अपना सपोर्ट पूरा कर रहा है। इसमें जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे पानी खाना वगैरह दे रहा है, वही हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं अंदर जाके। और वहाँ से अगर कोई बीमार बंदा है या कोई आना चाहता है बाहर निकल के, तो हम उसे इवैक्यूएशन कार्रवाई कर रहे हैं। उनका नाम और आपका नाम? मेरा नाम फुलबाड़ी की भूसा फैक्ट्री में आज सुबह आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फुलबाड़ी के इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित एक फैक्ट्री में भारी मात्रा में भूसी का भंडार था, जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन के लिए किया जाता था। आग ने फैक्ट्री में सामान और कुछ मशीनों को जलाकर राख कर दिया। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। पुलिस ने आग लगने के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। अपना इंडस्ट्रियल पार्क अपना फुलबाड़ी दिखे সেখানে একটা আপনার ফ্যাক্টরি আছে, ওই ফায়ারউড ডাস্ট ফায়ারউড যেগুলো থাকে সেগুলোর মধ্যেই আগুনটা লেগেছিল। গাড়ি একটা এসছে, আমার গাড়ির জলে তো হয়নি, এনাদের পাশে সব সিস্টেম করা আছে, যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তো পুরো সিস্টেমটাই করা থাকে এদের, মানে মেনলি আমরা সেখান থেকে জল নিয়ে কন্টিনিউ কাজ করেছি। গাড়ি একটাই এসছে, ক্ষয়ক্ষতি বলতে অ্যাকচুয়ালি মেশিনারি কিছু ড্যামেজ হতে পারে জল থেকে, আর এদের যে সবই তো মানে ফায়ার উড আর ফায়ার ডাস্ট, সেগুলোর ভ্যালুয়েবল তো বলতে হবে না, সেগুলোই আগুন লেগেছে, একটা পার্টে লেগেছে, পুরো জন্য একটা মোটামুটি একটা পার্টে লেগেছে। আমাদের নিয়ার অ্যাবাউট 4:45 মতো। কি নাম? স্টেশন অফিসার রাজীব কুমার কুণ্ডু, ফুলবাড়ি ফায়ার ব্রিগেড। बागडोगरा में सरकारी बस से उतरने के दौरान दर्दनाक हादसा, व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बागडोगरा के बिहार मोड़ पर सरकारी बस से उतरते समय एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यक्ति का पैर बस के पहिए में फंस गया। घटना के बाद उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की बस सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी और यात्रियों को उतारने के दौरान रुकी थी। अचानक उतरते समय फजीरुल रहमान का पैर पहिए में फंस गया। चीख सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और उसे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भेजा गया। इस बीच बस चालक भाग गया, जबकि ट्रैफिक गार्ड ने कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। कैसे हुआ एक्सीडेंट, क्या मालूम? वहाँ बिहार मोड़ में रोका, रोकने के बाद में सब पैसेंजर उतर रहा था, वो पैसेंजर उतरा लास्ट में, उतरने के बाद में गाड़ी का कंडक्टर सिग्नल दे दिया, गाड़ी आगे बढ़ गया, उसका पैर चढ़ गया, मैंने चक्का में पैर चढ़ गया, पैर उसका चक्की में, वो आदमी नहीं बचेगा। कैसा हालत? कैसा हालत? एकदम सीरियस है। कहाँ ले गया? उसको मेडिकल ले गया, पुलिस को बुलाया, पुलिस आया, एम्बुलेंस में मेडिकल ले गया। तो दोष किसका है, क्या दोष? गाड़ी वाला का, पैसेंजर का जब तक उतरेगा नहीं तब तक गाड़ी सिग्नल क्यों दिया? कॉन्ट्रैक्टर का दोष है ना, गाड़ी का दोष है, कॉन्ट्रैक्टर का दोष माने गाड़ी का दोष। चालक कहाँ है? चालक गाड़ी का चालक? चालक का क्या दोष है? नहीं, चालक क्या भाग गया ना? वो भाग गया, ब्रेक निकल रहा था, फिर ब्रेक अंदर चला गया। कॉन्ट्रैक्टर को सरकारी मान्यता की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल मोटर वाहन ओनर्स एजेंट एसोसिएशन की राज्य समिति की बैठक आयोजित। दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट में सरकारी मान्यता की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल मोटर वाहन ओनर्स एजेंट एसोसिएशन की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष मनोज झा और अन्य नेताओं ने भाग लिया। संगठन के सदस्य लंबे समय से पहचान पत्र की मांग कर रहे हैं। बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। मनोज झा ने कहा कि सरकारी मान्यता समय की मांग है और यदि यह जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। সরকারের কাছে মূলত আমাদের 4টি দাবি আছে। এক হচ্ছে যে সমস্ত গাড়ি মালিক প্রতিনিধির পাশে আমরা কাজ করে থাকি তাদেরকে প্রত্যেক 8টি এবং 8টি দপ্তরে বসার জায়গা করে দিতে হবে, যেহেতু এখন অনলাইনে আমরা সমস্ত গেজেট পাচ্ছি তৎসত্ত্বেও, যাতে আমরা আমাদের ইউনিয়নের কাছে
আমরা অ্যাসিস্টেন্টের কাজ জন্য একটা নোটিফিকেশনটা অবশ্যই আসে সরকারের পক্ষ থেকে, এবং সুস্থভাবে কাজ হোক, পার্কিং ব্যবস্থা হোক, এজেন্সি লাইসেন্স, মূলত সব থেকে যেটা বড় লাইসেন্স দাবি সেটা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা একটা আইডেন্টিটি কার্ড বা লাইসেন্স দাবি রেখেছি, দীর্ঘদিনে রেখে আসছি, আগামী দিনেও এই দাবিটা আমাদের মূল হবে। আপনার নাম আর ডেলিগেশন? আমার নাম মনোজ ঝা, রাজ্য সহসভাপতি, ওয়েস্টবেঙ্গল মোটর ভেহিকলস অনার্স এজেন্সি। मैनागुड़ी पुलिस ने मोटर बाइक चोरी के मामले में एक रैकेट का खुलासा किया। मैनागुड़ी पुलिस ने चोरी हुए सोने के आभूषणों के बाद और एक बड़ी सफलता हासिल की। 15 सितंबर को विवेकानंद पल्ली इलाके से सचिन रॉय की बाइक चोरी हो गई थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दुबे हाजरा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने सभी आरोप स्वीकार कर लिए और पुलिस ने हल्दीबाड़ी से चोरी की गई बाइक बरामद की। इसके अलावा दो और बाइक धूपगुड़ी से मिली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर अहमद ने कहा कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है जबकि अन्य की तलाश जारी है। और ऐसे कालिदास बर्मन एक केस तदंतकालीन एक सोर्स इन्फॉर्मेशन आधार एक रेड कर लो वही रेड जलपाईगुड़ी दस्तला एरिया थे के কোতোয়ালি পিএস অ্যান্ড উনি একজনকে অ্যারেস্ট করেছেন। অ্যারেস্ট করার পরে জানা গেল কি টোটাল তিনজন মিলে এই পুরো কাজটা করে মাইনাগুড়ি এরিয়ার থেকে যে বাইকটা চুরি করার ব্যাপার এইগুলো করে, আর তারপর উনি তিন মোটর সাইকেল রিকভার করেছে। তিন মোটর সাইকেল মধ্যে একটা মোটর সাইকেল হচ্ছে টিভিএস আপাচে আরটিআর মোটরসাইকেল, এটা রিকভারি হলো হলদিবাড়ি এরিয়া থেকে। তারপর দুজন দুটা অর মোটরসাইকেল, একটা হচ্ছে বাজাজ বক্সার আর একটা হচ্ছে হিরো হন্ডা স্প্লেন্ডার। कई दिनों से गंदा कुएं का पानी सफाई करने गया व्यक्ति कुएं में फंसा, व्यक्ति की हुई मृत्यु। अलीपुरद्वार फालाकाटा के पश्चिमी झाड़ बेतला इलाके में एक व्यक्ति रंजित सरकार कुएं की सफाई करते समय फंस गया और उसकी मौत हो गई। जब रंजित की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। दमकल कर्मी ने काफ़ी कोशिश के बाद उसका शव निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना से इलाके में मातम छा गया और कुछ लोगों को संदेह है कि कुएं में जहरीले गैस बन गई थी जिससे उसकी मौत हुई। জমিতে জল দেওয়ার জন্য সেচের জন্য উনি কুয়োতে নেমেছিল, কুয়োতে জল সাপ্লাই কম হচ্ছিল বলে উনি কুয়োতে নেমেছে। কুয়োতে নামার পরে উনি ওখানে অক্সিজেন না নিতে পেরে অক্সিজেনের অভাবে ওনার দুর্ঘটনা ঘটে। উনি এখানেই, আমার সম্ভবত মনে হচ্ছে উনি মৃত্যুবরণ করেছে এখানেই, আর ওনাকে উঠানোর জন্য দুইজন এখানে নেমেছিল, তারা অক্সিজেন অভাব বোধ করেছে, তড়িঘড়ি তাদের টেনে উপরে উঠানো হয়েছে, তারা এখন সুস্থ আছে দুইজন। বাকি আমাদের ফালাকাটা পিএস থানা এবং আমাদের দমকল বাহিনী ফায়ার ব্রিগেড এরা উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। অসীম দাস, হ্যাঁ, স্থানীয়। আব তক কে লিয়ে ইতনা হি, তমাম খবরো আর আপডেট কে লিয়ে দেখতে রহিয়ে এসকে লাইভ। ধন্যবাদ। ₹1 करोड़ 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 ₹1 करोड